हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संजय नगर तिलक चौक में रहने वाले 21 वर्षीय शोएब निजामुद्दीन की 27 नवंबर की रात एक ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। शोएब के साथ में उसका एक दोस्त भी बाइक पर था, जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है। उसकी भी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष रही होगी। उसकी भी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा नाला सोपारा के सोपारा फाटा पर हुआ है। शोएब के पिता निजामुद्दीन ने बताया कि लगभग 15 से 20 दिन पहले ही गांव से मुंबई शोएब आया था और नाला सोपारा में वो रबर स्लाइडिंग का काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद अक्सर शोएब और उसका दोस्त अरविंद सोपारा फाटा के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए जाया करते थे। इसी तरह से 27 नवंबर की रात में भी शोएब और अरविंद खाना खाकर बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। अरविंद बाइक से उछलकर डिवाइडर से टकरा गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और शोएब टक्कर लगने की वजह से रोड पर ही गिर गया और पीछे से आ रही एक टेम्पो शोएब के कमर के ऊपर से चला गया। हादसे के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और इस हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई और भीड़ से ही किसी ने शोएब के पिता को मुंब्रा में फ़ोन किया, जिसके बाद मुंब्रा से निजामुद्दीन शोएब के पिता घटनास्थल पर यानी कि नाला सोपारा फाटा पर पहुंचे। निजामुद्दीन ने बताया कि जब घटनास्थल पर वो पहुंचे तो अरविंद की मौत हो चुकी थी और शोएब को एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2 से 3 घंटे जिंदा रहने के बाद आखिरकार शोएब ने भी दम तोड़ दिया। मूल रूप से निजामुद्दीन और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले हैं और वहीं अरविंद का भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में घर बताया जा रहा है। नौजवान बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। वहीं निजामुद्दीन ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले ही शोएब ने गांव के एक रिश्तेदार के घर फ़ोन करके कहा था कि उसका मुंबई में दिल नहीं लग रहा है, कुछ पैसे उसके पास हैं और वही पैसे लेकर वो 2-4 दिन में गांव वापस लौट आएगा। मगर उसके 2 दिन बाद ही शोएब और उसके साथी की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। क्या कुछ कहा है शोएब के पिता निजामुद्दीन ने, सुनिए। निजामुद्दीन, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ था और उसके साथ में कौन सा लड़का था, कैसे ये पूरी घटना कैसे हुई? ये जो है खाना खाने जा रहे थे, काम करके खाना खाने जा रहे थे बाइक से और ट्रक के चपेट में आ गए। ट्रक ने टक्कर मार दिया और सुपारा फाटा, नाला सुपारा फाटा है, ब्रिज के ऊपर ही हुआ है। स्टार्टिंग ब्रिज पे चढ़ने के से वहीं पे दोनों का ट्रक से हुआ। फिर दूसरी गाड़ी आई, जो है ट्रक ने टक्कर मारा पीछे से, फिर दूसरी गाड़ी आई उसके ऊपर से चली गई। अकेला था या नहीं? 2 बंदे थे। क्या नाम था? एक का अरविंद था, एक का शोएब। शोएब में आप लोग मूल रूप से कहाँ से? यूपी के जिला बस्ती है और रहने वाले ग्राम चरकैला बाजार अपना। दोनों बाइक सवार दोनों लोगों का फुल डेट हो गया। हाँ, फुल डेट हो गया जगह पे। और अरविंद नाम का जो लड़का था, कानपुर का रहने वाला है। अरविंद कानपुर? हाँ, कानपुर का रहने वाला है। तो क्या डेड बॉडी आप लोग लेकर आए? हाँ, हम लोग लेके आ गए डेड बॉडी। कब हुआ था पूरी घटना? कब? ये 11:45 के टाइम पे हुआ। हाँ, कल रात में 11:45 के बीच में ही हुआ है।